नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उच्च माध्यमिक परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर गृह विज्ञान का। और यह 5th नंबर का अपना मॉडल टेस्ट पेपर है। स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसे लगते हैं मेरे आंसर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो इसका आंसर है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अपराध या अपचार क्या है? अगर कोई व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति अपराधी कहलाता है, अर्थात यह अपराध कहलाता है। और यही काम अगर कोई विद्यार्थी या बालक करता है तो वह समाज के नियमों का उल्लंघन करता है बालक द्वारा, तो उसे अपन अपचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन व्यवसायों में कला निपुणता की आवश्यकता होती है? तो ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसमें कला की निपुणता की आवश्यकता होती है। पहला व्यवसाय यह होता है कि आहार प्रबंधन करना है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, इन सब में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। साथ में ही कढ़ाई का है, मैटी मेकिंग है, बुनाई का है, भोजन पकाने के कार्य, इन सब में कला निपुणता की आवश्यकता होती है। रक्तालपता ग्रसित गर्भवती महिलाओं में क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है? गर्भवती महिलाओं में रक्तालपता स्थिति होने पर महिला के पोषण के स्तर में बहुत कमी होने के साथ साथ शिशु के विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और कई बार जो शिशु होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण क्या है? पुत्र की चाहत में पुत्री का हो जाना कन्या भ्रूण का सबसे बड़ी समस्या है। साथ में ही कन्या को बोझ समझना, दहेज उन्मीलन के कारण भी कई बार ऐसा होता है। मंदबुद्धि किसे कहते हैं? वह बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से 85 से कम होती है उस बालक को मंदबुद्धि बालक कहते हैं। आहार आयोजन किससे प्रभावित होता है? पारिवारिक आय, पोषणीय स्तर, लिंग, व्यवसाय, क्रियाशीलता, इन सबसे प्रभावित होता है। स्तनपान छुड़ाने के लिए दिए गए आहार को क्या कहते हैं? स्तनपान छुड़ाने के लिए दिए गए आहार को स्तन त्याग आहार या स्तन त्याज्य आहार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चे को उच्च ऊर्जा व उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। किशोरावस्था में भोजन से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं? तो बच्चों, किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि बच्चों में रक्तालपता, एनीमिया, जिसको अपन एनीमिया भी कहते हैं, मोटापा, कमजोरी, अस्थि मृदुलता। वृद्धावस्था में कोलेजन की मात्रा बढ़ने से क्या क्या हानियाँ होती हैं? वृद्धावस्था में कोलेजन की मात्रा बढ़ने से ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति, अर्थात हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, हड्डियाँ कमजोर होकर टूटने लग जाती है, ये सब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धात्रीवस्था किसे कहते हैं? शिशु के जन्म से लेके प्राय 6 माह तक की अवस्था, जब तक माता शिशु को स्तनपान कराती है तब तक की अवस्था को धात्रीवस्था या प्रसूतावस्था कहते हैं। भोजन संदूषण कितने प्रकार का हो सकता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, कमक के द्वारा, इन सब के द्वारा क्या हो सकता है? भोजन संदूषण हो सकता है। फैशन मेकर क्या है? फैशन का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति फैशन मेकर होता है। किशोरावस्थाओं को कौन कौन सी उप अवस्थाओं में बांटा जाता है? किशोरावस्था को मुख्यतः 13 से 21 वर्ष की अवस्था को बच्चों किशोरावस्था कहते हैं। 13 से 16 तक पूर्व किशोरावस्था और 17 से 21 तक उत्तर किशोरावस्था होती है। जन्मजात सिफिलिस रोग के बारे में लिखिए। यह एक संक्रमणशील रोग होता है जो ट्रैपोनीमा पैलिडम के कारण होता है। यह वृषावती के कारण होता है। इसके अंतर्गत महिला की और पुरुषों के जो यौन संबंधी अंग होते हैं वहाँ वर्ण हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, खुजली, जलन इत्यादि समस्याएं देखी जाती हैं। परिवार नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं? परिवार के नियोजन का मुख्य उद्देश्य परिवार को कल्याण प्रदान करना, पारिवारिक सदस्यों का भरण पोषण करना, उत्तम उनकी व्यवस्था करना, आर्थिक संवेगात्मक एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। असाधारण बालक किसे कहते हैं समझाइए? वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से भिन्न होती है वह और वो सामान्य से विशिष्ट होते हैं, वे बालक असाधारण बालक या विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जो बालक प्रतिभाशाली है, शारीरिक रूप से असक्षम है, मानसिक रूप से असक्षम है, वे सभी बालक, संन्यासात्मक बालक सब इसके अंतर्गत आते हैं।
को उदाहरण सही समझाइए। किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए उसकी कच्ची जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसको बच्चों अपन संदर्भ इकाई कहते हैं। सामान्यतः जैसे अनाज की संदर्भ इकाई 30 ग्राम, दालों की भी 30 ग्राम होती है। वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को लिखिए। वृद्धावस्था में विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन ये होता है नाड़ी संस्थान में कमी, पाचन संस्थान में कमी, रक्त परिसंचरण तंत्र में कमी, इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र में कमी, अर्थात इससे संबंधित परेशानी आने लग जाती है। हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, बाल धूसर हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, शारीरिक क्रियाशीलता कमजोर हो जाती है, हड्डियों में कोलेजन की मात्रा कम होने लग जाती है, पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, अपच की स्थिति, कब्ज की स्थिति, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त का बढ़ाव अधिक व कम, बीपी हाई या लो की स्थिति देखने लग जाती है, इस तरीके का प्रदर्शित होने लग जाता है। गर्भवती स्त्री की देखभाल कैसे करनी चाहिए? सबसे पहली बात है, गर्भवती स्त्री कौन से चरण पे है, अर्थात वह त्रैमासिक के कौन से चरण पे है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण या तृतीय चरण पे, उसके अनुरूप ही उसे आहार प्रदान करना चाहिए। इसके बाद में महिला को पूर्ण पौष्टिक आहार के साथ साथ उचित मात्रा में निद्रा की व्यवस्था करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना चाहिए। ज्वर की स्थिति में रोगी को भोजन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ज्वर की स्थिति में रोगी को भोजन देते समय ये देखना चाहिए कि ज्वर कौन से प्रकार का है। पहले दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये टाइफाइड है या जनरल फीवर है, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान करना होता है। ठीक है, फिर अपन को देखना होता है कि अधिक ऊर्जा और अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, वसा की मात्रा कम देनी चाहिए, भोजन सादा सात्विक सुपाच्य होना चाहिए, तरल पेय पदार्थों को अधिक शामिल करना चाहिए, भोजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा को 5 से 6 बार रोगी को देने चाहिए। ठीक है, ज्वर की तीव्रता का ध्यान देना चाहिए। गुणवत्ता के आधार पर जल के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों गुणवत्ता के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, शुद्ध जल, सुरक्षित जल, संदूषित जल और प्रदूषित जल। ट्रेसिंग व्हील का वर्णन कीजिए। ट्रेसिंग व्हील एक ऐसा उपकरण होता है जो सिलाई के कार्य में काम में लिया जाता है। यह एक दांतेनुमा उपकरण होता है। वस्त्र पर यह निशान लगाने का काम करता है और जहाँ पे जहाँ जहाँ पे निशान लगाया जाता है वहाँ पर सीवन कर दी जाती है, अर्थात सीवन की को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। सीवन की जांच किस किस प्रकार से की जा सकती है? सीवन की जांच करने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कि धागे व पोशाक का रंग एक ही होना चाहिए, सीवन पास पास होनी चाहिए, वस्त्र पर सीवन हर जगह लगी हुई होनी चाहिए, किनारी पर इंटरलॉक की गई है या नहीं इसका भी ध्यान रखना चाहिए, सीवन सफाई से लगी हुई होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के कारण एक किशोर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अपन देखते हैं बच्चों कि संवेगात्मक विकास के कारण ही व्यक्ति में अर्थात किशोर में सोचने समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास में होता है। साथ में वह विशिष्ट वस्तु के बारे में एक मूर्त चिंतन करने लग जाता है। प्रत्येक चीज को वह अब तार्किक, वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक ढंग से देखने लग जाता है। ये सारे परिवर्तन वह एक भावी नागरिक के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती आबादी का भोजन, आवासीय भूमि, पीने का पानी एवं स्वच्छता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, बढ़ती आबादी का भोजन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि जैसे जैसे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जाती है उससे भोजन का उत्पादन क्या हो रहा है, उत्पादन तो कम हो रहा है परंतु जनसंख्या अधिक है तो उतने मूल्य पे उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही, व्यक्ति खपत की स्थिति नहीं हो पा रही, जिससे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण कई लोग जनसंख्या वृद्धि में भुखमरी से पीड़ित हैं और उसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। आवासीय भूमि, जनसंख्या वृद्धि के कारण रहने के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन कमी आती ही जा रही है। इसका निर्णय ये हो रहा है कि जो महानगर है वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनने लग गई हैं, बहुत छोटे से क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पीने के पानी एवं स्वच्छता पर तो देखते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमें स्वच्छ पीने योग्य पानी का अभाव पाया जा रहा है, क्योंकि जितना जल हमारी भूमि पर स्थित है वह सभी हमें उपलब्ध नहीं हो पाता, उसके बहुत अतिरिक्त रीजन है उस, क्योंकि वह क्षारीय होता है, लवणीय होता है, पर पीने योग्य जितना पानी है जनसंख्या वृद्धि के कारण उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं जिससे गंदगी का स्तर देखा जाता है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रभावित हो रहा है स्वच्छता के अभाव में।
दस्त की स्थिति में शरीर में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं समझाइए। सबसे पहली बात होती है बच्चों, दस्त की स्थिति में शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निर्जलीकरण की स्थिति में शरीर में जल का स्तर कम हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि दस्त की स्थिति में शरीर में उपापचय दर में परिवर्तन हो जाता है। जो उपापचय दर होती है, मेटाबॉलिक रेट होती है, बढ़ जाती है घट जाती है, उसके कारण व्यक्ति का पाचन संस्थान विकारित हो जाता है, आंतों में श्लेष्मा मल निकलने लग जाता है। साथ ही साथ में धीरे 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 शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं के आंतरिक जो जल है उसमें भी कमी होती जाती है, ठीक है। शरीर क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ये सब स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस देखे, उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।